अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशा व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीक हमारी खाला हमारे घर रहने के लिए आएँ। हमने सोचा था कि काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस पर जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग नहीं जा सके। तो अभी हम जो है वो लिबर्टी मार्केट में भटूरे खाने जा रहे हैं, और इस व्लॉग के लास्ट में मैं मुस्फिरा के साथ जो है वो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर जा रही हूँ। बहुत बारिश थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर गए, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको वापस अपने घर जाना था। तो हमें मुझे मैं उसके साथ गई, आपको वो भी दिखाऊंगी। अभी आपको ले चलते हैं लिबर्टी मार्केट में और वहाँ पर इंजॉय करते हैं स्ट्रीट फूड को। सो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जैन। कहाँ जैन? जैन अब आ जाओ। चलो हेलो हेलो, एडजस्ट करने में टाइम लगा दिया फरवा, और यहाँ पर है मेरे साथ कोई भी यहाँ पर इंट्रो देने के मूड में नहीं था। सो मैंने कहा छोड़ें इसको, अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। लिबर्टी में ना एक्चुअली आपको ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी मिल जाती है लोएस्ट प्राइस में। इसी तरह ये शूज़ भी हैं। अगर आप लिबर्टी में आएँ तो एक बाबा जी का ये ठेला है जहाँ पर ये सारे सर्दियों का स्टफ़ अवेलेबल है। तो आप लोग प्लीज़ उनकी शॉप पर जाएँ और ढेरों सारी चीज़ें लें। वहाँ पर खाला सफ़िया ने और जैन मुस्फिरा लोगों ने मालम जब्बा जाना था, तो उसके लिए लोग सॉक्स और कैप्स और ग्लव्स यहाँ से ख़रीद लें। और जैसे कि आपको देख रहे हैं काफ़ी अच्छी वैरायटी भी है और कीमत भी मुनासिब है। तो आप लोग जब भी लिबर्टी में आए तो इस शॉप से जो है वो शॉपिंग करें। न्यू कैप ली है। मुस्फिरा कैसी लग रही है कैप? ज़बरदस्त लेनी यही। हाँ ये मुझे भी अच्छी लग रही है, ले लो। खाला ठीक है? हाँ ठीक। चलो लो भी हंस के। तो अब हम बाज़ार में अपनी मोस्ट फेवरेट स्पॉट यानी कि ग्लासेस को ट्राई कर रहे हैं ताकि हम कुछ अच्छा ख़रीद सकें। और हमारे यहाँ पर ना ग्लासेस अगर आपने बहुत कम पैसों में लेने हैं तो वो खान से मिलते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी इस तरह के वो खड़े होते हैं लेकर अपना पूरा, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं जिस पर उन्होंने ग्लासेस लगाए रहते हैं। क्योंकि मुस्फिरा को स्केटिंग के लिए मालम चप्पा जाना है तो उसको बिल्कुल स्वैग वाले रेडिएटर्स चाहिए, जैसे कि दिल दिया गल्ला में सलमान खान ने लगाए थे। तो आई थिंक ये जो उसने फेस पे अपने इस वक्त लगाए हुए हैं, जो ट्राई करी है, वही फ़ाइनल हो गए थे। और मुझे कौन सा मालम चप्पा जाना है जो मैं इतनी शॉपिंग करूँ। तो मैंने तो कोई नहीं लिया, लेकिन उसने ले लिया 400 में एक पेयर ग्लासेस का। तो मुस्फिरा ने तो अपने शेयर्स जो हैं वो डिसाइड कर ली हैं, और जैन जो है उसके पास ऑलरेडी कबीर सिंह वाली ग्लासेस हैं तो वो नहीं ले रहा यहाँ पर। और जबकि मुझे अभी भी लग रहा है कि ये ज़्यादा प्राइस में दे रहे हैं, क्योंकि खान जो है अगर 100 की चीज़ है तो वो 1000 में बताते हैं। तो अगर वो 400 इस ग्लासेस के दे रहे हैं तो ये मुझे फिर भी ज़्यादा ही लग रही हैं। ठीक है, तो वहाँ बुकनेट को भी अच्छे भी नहीं मिलती। तो जब 400 की दे रहा है, पागल है वो 400 की दे रहा है हमें। सर्दी का मौसम हो और कोई फ्राइज ना खाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने भी ले ली। वैसे मुझे इतना कोई क्रेज़ नहीं है फ्राइज़ का, लेकिन बाकी फैमिली में है तो यहाँ पर कुछ अच्छा स्टफ़ मिल रहा था। हमने लिया तो नहीं, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन पूरी ली है उस शख्स से कि ये कितने का है। तो आप लोग देखें, अगर स्टफ आपको अच्छा लगे तो आप लोग ले लें वहाँ से। अंकल अगर ये जो ग्रीन में पूरा फुल पीस बनाना हो, मतलब दुपट्टा और शर्ट दोनों, ये जो टर्कोइज़ वाला है, हाँ क्या कह रहे हैं आप? इसका शर्ट भी और उसका दुपट्टा भी बनाना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, बताता हूँ। आप ये शर्ट कर लें। अच्छा, आने लगे पता इस तरह करना, मेरे पास रोजी कलर में वो मैं दिखा देता हूँ, वो दुपट्टा बना दिया। तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी दोनों? ये अगर शर्ट दुपट्टा लेंगे ना आप 4500 का। और ये मटेरियल क्या है? ये ऑर्गेंजा कहते हैं, प्योर कलर ऑर्गेंजा। इसकी आप कुर्ता स्टाइल में शर्ट बना रहे हैं? हाँ, चारों तरफ लेस लगाएं, जैसे मर्जी आप यूज़ करें, जैसे इसी साथ। काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर, स्टिच भी और अनस्टिच भी। ये सामने आपके जो है ये स्टिच ट्राउज़र्स हैं खद्दर के, स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था और कंफर्टेबल भी लग रहे थे देखने में।
और उसकी प्राइस आई थिंक 800 होगी। और ये कुछ एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स हैं जिसका हमें आइडिया नहीं था कि ये रिलायबल होंगी, मतलब आफ्टर वॉश ठीक रहेंगी या नहीं, क्योंकि अगर अम्मी होती तो वो ज़ाहिर है वो चीज़ देखकर जो है वो ख़रीद लेती। और ये एम्ब्रॉयडर्ड ये शॉल वाला सूट है वो अम्मी कभी भी मिस ना करती, क्योंकि उसके प्राइस भी थे तकरीबन 3500 और फुल एम्ब्रॉयडर्ड थी। और अब हम जिस काम के लिए एक्चुअली आए थे, लिबर्टी मार्केट यानी कि पठूरे खाने, वहाँ पर जा रहे हैं। शॉप का नाम है लिबर्टी ग्राटू। इसके नेम की प्रोनंसिएशन ही बहुत मुश्किल है। और ये रहे गर्मा गर्म पठूरे विद चने सैलड एंड अचार। इसका कंप्लीट रिव्यू आपको मिलेगा, थोड़ी देर तक इंतज़ार कीजिए आप। और पठूरे के बाद हम लोगों ने स्वीट में जलेबी। पठूरे कैसे लगे? पठूरे सॉस होते हैं। अच्छा, और जलेबी बहुत मज़े की। खाला की फेवरेट लगता है जलेबी। फेवरेट है और लकीली बहुत ही मज़े की है। ये जलेबी का नाम कैसा है? ग्राटू जलेबी। ग्राटू जलेबी, ठीक हो गया। और मम्मा कहती थी फास्ट है। मुझे सीखना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने ऐसी जलेबी खानी है तो लिबर्टी में किस जगह पे आए? जैन बताओ। स्मार्ट होटल की बैक साइड पे। किस होटल की? स्मार्ट होटल की बैक साइड पे आए, ग्राटू जलेबी खाए। वाह वाह, क्या जलेबी है, मजा आ गया। टू गुड, टू गुड, 10 out of 100। कितनी मजेदार है ये जलेबी। ये जलेबी आज तक की बेस्ट जलेबी है अगर मैंने लाहौर में कोई ऐसी चीज खाई है। और इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ जैन का, जो कि हमें इस जगह पे ले गई है। और इसका आप देखेंगे जो शीरा चाहिए। लेकिन ये जलेबी जो है ना, इसको 100 मार्क्स मिलने चाहिए। मैंने आज तक इतनी अमेजिंग डिलीशियस क्रिस्पी और इतनी सॉफ्ट एंड जूसी नहीं खाई। आप सोच लेंगे इतनी ज्यादा फ्लेवर एक ही जैसे कैसे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम लोग घर जा रहे हैं और घर जाते वक्त हम लोग कुछ पठूरे पैक भी करवा रहे हैं। एग्जैक्टली उनका प्रोसेस तो नहीं मैं आपको दिखा सकती कि किस तरह वो क्या स्पाइसेस उसमें ऐड करते हैं, किस तरीके से उनका बनाते हैं, क्या स्पेशलिटी है, कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो यूज़ करते हैं इसके अंदर। लेकिन उसके बावजूद जब वो पठूरा बन रहा होगा ना, तो वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि वो कितना स्किलफुली वो उसको बनाते हैं, गर्म ऑयल में डालते हैं और कितना वो फ्लफ़ी और फूल जाता है। तो आप लोग देखें, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ज़रूर इस शॉप पर आएँ। स्टार ऑफ द डे इज़ ग्राटू जलेबी, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है, देखने में आपको वियर्ड लगेगी लेकिन एक्चुअली खाने में अच्छी है। तो उसके नेक्स्ट डे हम लोग यानी कि मैं और मुस्वरा जो है वो ऑरेंज ट्रेन देखने गए, क्योंकि मैं इन दिनों फ्री होती हूँ, बिल्कुल फ्री, तो इसलिए मैं उसको लेकर ऑरेंज लाइन ट्रेन मेट्रो स्टेशन पर गई, क्योंकि उसने मेरा व्लॉग देखा हुआ था और वो वहाँ जाना चाहती थी। और खाला वगैरह सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे तो टाइम कैसे गुजर गया है पता भी नहीं चला। तो आपको थोड़े से क्लिप्स यहाँ के दिखाती हूँ, आप लोग पहले भी देख चुके हैं लेकिन ये डिफरेंट स्टेशन पे है इस दफ़ा। हाय मुस्फिरा, आप कहाँ आई हुई हैं? ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। फर्स्ट टाइम? आपका फर्स्ट टाइम है ऑरेंज लाइन पे? मेरा सेकेंड टाइम है। ये आपके लिए आई हूँ यहाँ पर इतनी तेज बारिश में। यू मोस्ट वेलकम। तो इसको इस बार मैं शालामार स्टेशन से
अनारकली वाले स्टेशन तक गए, आई थिंक ये 3 to 4 स्टॉप्स बनते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग वापस घर आ गए। और इस बार यहाँ पर एक नया ही रूल बन गया है कि आप लोग वीडियो नहीं बना सकते। सिक्योरिटी गार्ड ने विसल बजा के हमें मना किया कि आप लोग वीडियोस नहीं बना सकते। शुक्र है मेरा व्लॉग पहले बन चुका था। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।